नमस्कार, एसआरबी से मैं प्रहलाद कुशवा। आज हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम भरवाई में हैं और आज हम कुछ किसान भाइयों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो गोभी, मूली, पालक, बैंगन और हरी मिर्ची, हरी धनिया इत्यादि की खेती करते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गोभी लगी हुई है, इन क्यारियों में हरी धनिया लगी हुई है, मेरे पीछे पालक लगा हुआ है। और आइए हम अपने कुछ किसान भाइयों से मिलकर बात करते हैं। इतने पैसों तो आइए, देख रहे हैं आप कि हमारे किसान भाई मूली उखाड़ रहे हैं खेत से, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? दीपक कुशवा। तो ये जो आप मूली उखाड़ रहे थे, जी, इसको लगाने में और पूरा लगाने से लेकर तैयार होने तक कितना टाइम लगता है? इसमें 2 से 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है ये मूली। 2 से 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये जो इसका लगाने का प्रोसेस रहता है, जैसे लगाने में क्या करना पड़ता है? देखिए, पहले खेत को गहरा, थोड़ा गहरा हकवाना पड़ता है, क्योंकि ये लंबा पड़ता है तो थोड़ा अगर कड़क जमीन होगी तो ये पड़ेगा नहीं। हाँ, इसलिए उसका थोड़ा गहरा हकवाना पड़ता है। तो फिर इसमें गहरा हकवाने के बाद इसमें बारीक रोटर वेटर चलवाया जाता है, फिर इसमें मूली बोई जाती है। ये 2 से 3 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, ऐसे हो जाती है। अच्छा, ये मूली बोने का जो तरीका है, उसको कैसे, इसका बीज फेंक के बोया जाता है या फिर एक एक करके पौधा रोपण किया जाता है? नहीं, वो अपन फेंक के ही बो सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बीज उपलब्ध है तो आप फेंक के बो सकते हो, और कम मात्रा में बीज है तो आप उसको एक एक करके लगा सकते हो। अच्छा, ये जो आपके हाथ में मूली है मोटी वाली, जी, ये मूली किस तरीके से होती है? मतलब इसमें आपने कौन से तरीके, किस तरीके का खाद लगाया है, कौन सा बीज इसमें इस्तेमाल किया है? देखिए, अगर बीज दोनों, ये दोनों मूली का बीज सेम है, लेकिन जो मूली ऑर्गेनिक द्वारा की गई हुई है, मतलब ये गाय का गोबर रहता है, उसके खाद में पैदा की गई है, और ये मतलब ये अपना यूरिया DAP रहता है, ये उसकी मूली है। आप देखिएगा, इतना अंतर रहता है उसमें। अच्छा, ये जो मूली है, जी, ये ऑर्गेनिक मूली है, जी, और ये जो मूलियाँ हैं, ये रासायनिक खेती द्वारा उगाई गई मूलियाँ हैं। जी जी। तो ऑर्गेनिक मूली अच्छी, मजबूत और मोटी होती है, जी, जैसे कि ये मेरे हाथ में है, और जो आपके हाथ में है, ये रासायनिक वाली मूली है। जी। तो स्वादिष्ट कौन सी मूली ज़्यादा होती है? जो जी, अपनी ऑर्गेनिक मूली स्वादिष्ट होती है। अच्छा, और देखिए, इतनी मोटी होने के बाद भी इसमें कोई जाली नहीं है अभी तक। हाँ जी। तो और आपके खेत में क्या क्या लगा हुआ है? खेत में तो सभी सभी चीज़ उपलब्ध है। गोभी है अपने पास, भट्टे लगे हुए हैं, मिर्ची लगी हुई है। आपको गोभी दिखाते हैं, आइए। चलिए, आप हमें गोभी दिखाइए। आइए जानते हैं गोभी कि ये खेती कैसे करते हैं, और गोभी में इनका कितना जो लागत है, जो लागत कितनी लगती है गोभी को उगाने में, गोभी हम जानेंगे। देखिए, ये ऑर्गेनिक गोभी है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मक्खन के जैसी गोभी यहाँ पर दिख रही है, बिल्कुल जैसा मक्खन दिखता है वैसी ये गोभी दिख रही है। तो ये गोभी जो आपकी है, ये रासायनिक है या ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक गोभी है। इसको लगाने में कितना कितना समय लगता है? मतलब ये 3 से 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, मतलब मार्केट लायक, बिकने लायक हो जाती। इसको लगाने का तरीका, इसकी प्रोसेस बहुत लंबी रहती है। इसको क्या, पहले इसके रोप के लिए अच्छी बारीक माटी करना पड़ती है, मिट्टी है ना जो, उसको बारीक होनी चाहिए। तो जो गाय का गोबर रहता है ऑर्गेनिक, मतलब गाय का गोबर रहता है, उसमें गोबर डाला जाता है, उससे रोपा किया जाता है, और उस गाय के गोबर को खेत में डाला जाता है, जब ये मक्खन की तरह पैदा होती है। अच्छा जी। तो ये जो मक्खन की तरह जो गोभी है, जी, इसकी सब्जी भी बहुत बेटर बनती होगी। जी, सब्जी इसकी टेस्ट अगर लगाता है, आप देखिएगा, जो रासायनिक है, इसमें देखिए कितने छोटे छोटे फूल हैं और किस तरह से निकल रहे हैं, ये देखिएगा। ये रासायनिक है जी। तो ये इसमें अभी ये देखते हैं, देख रहे हैं, ये फूल जो है गोभी का अभी बहुत छोटा है और ये पीला पड़ गया जी। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक खेती वाला फूल है जी, ये बिल्कुल मक्खन की जैसा दिख रहा जी, है जी। ये फूल एक से, मतलब 50-500 ग्राम से 1 किलो तक का है ये। अच्छा, इसका वजन 500 ग्राम से 1 किलो तक हो जाता है जी। तो और बैंगन वगैरह देखिएगा, ये बैंगन लगे हुए हैं, ये भी अपन सब ये देखिएगा बैंगन। अच्छा, ये जो बैंगन रहता है जी, तो ये
कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये बैगन भी ये मान लो आप 3 से 3.5 महीने में मंथ में कंप्लीट हो जाता है। इसका प्रोसेस भी ऐसा सेम ही रहता है, मतलब गोभी की तरह। पहले रोप लगाना पड़ता है, रोप तैयार होगा फिर इसको खेत में लगाया जाएगा उसके पौधे को, फिर ये इसमें बड़ा होगा फिर गाय का गोबर डाल खाता डाला जाएगा इसमें, तो फिर देखिएगा ये घाटे। अच्छा, तो शाइनिंग मारेगा। हाँ बिल्कुल, चमकता हुआ दिखेगा जी। रासायनिक वाले घटे भी हैं, रासायनिक लगे हुए हैं वो वहाँ पे। अच्छा, वो जो रासायनिक वाले हैं वो जो इतने स्वादिष्ट नहीं होते होंगे जी, आपको रासायनिक भी दिखाए जाएंगे। आइए आप रोक ले ऊपर, थोड़ी पास पहुँच जाओ। ये जो बैगन है ये रासायनिक है जी जी, तो इसमें और इसमें बहुत काफी अंतर दिख रहा है। देखिएगा आप इसमें चमक देखिएगा, ये ऑर्गेनिक है जी। हाँ, ये ऑर्गेनिक अपने मतलब अपने द्वारा खाद उसके खाद वो किया है, उसकी उसकी शाइनिंग देखिएगा, और जो रासायनिक की देखिएगा। हाँ, जो मेडिकल मतलब जो दुकानों पर खाद मिलता है जो अपन को। हाँ, यूरिया वगैरह DAP इसका देखिएगा। ये थोड़ा छोटा भी दिख रहा है जी, शाइनिंग भी नहीं है उसमें। ये जो है ऑर्गेनिक वाले से छोटा दिख रहा है रासायनिक वाला जी, तो इसमें इतना टेस्ट नहीं होता होगा जितना इसमें ऑर्गेनिक वाले में होता जी। टेस्ट इसलिए तो अपन ऑर्गेनिक करते, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती मार्केट में ऑर्गेनिक। इसका रेट भी ज़्यादा अच्छा मिलता होगा। हाँ, 30 से 40 रुपये किलो बिकता है, 20 रुपये किलो। ये जो है ऑर्गेनिक वाला 30-40 रुपये किलो। हाँ जी, ऑर्गेनिक 40 रुपये किलो, और जो रासायनिक है ये 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। और क्या क्या लगा हुआ है आपके खेत में? मिर्ची भी लगी हुई है। आइए मिर्ची दिखाते हैं आपको। तो ये जो मिर्ची है ये ऑर्गेनिक है रासायनिक है? ये सब अपन ऑर्गेनिक करते हैं पैदा अपने खेत में ऑर्गेनिक। अच्छा जी, तो ये जो ऑर्गेनिक है ये अच्छी तीखी होती होगी जी, इसका कलर भी बेस्ट रहता है। हाँ जी, तो और इसमें कितना लाग इसमें कितनी लागत आती है इसमें मिर्ची में? ये मान लो इसमें जो टाइम ज़्यादा लगता है 3 से 4 मंथ लगता है इसमें, और इसमें लागत भी ज़्यादा आती है। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहता लेकिन लगाना पड़ती है, क्या है कि मतलब सब सामान है तो उसके लिए मतलब डिमांड ज़्यादा रहती है कि मिर्ची भी लगाओ, तो इसलिए मिर्ची भी लगाना पड़ती है। तो ये जो मिर्ची रहती है ये अभी तो जैसे हरी मिर्ची बेचेंगे तो ये सस्ती जाएगी, लेकिन क्या आप इसको मिर्ची को पकाते भी हैं? जी हाँ, पका लेते हैं, कुछ घर खर्च के लिए पका लेते हैं, अगर ज़्यादा अगर मार्केट में सस्ती है तो उसलिए पका लेते हैं, तो महंगा बिके इसलिए पका लेते हैं कुछ। हाँ, क्या रहता है ये जो लाल मिर्च रहती है वो थोड़ी ज़्यादा महंगी बिकती है। हाँ, अगर ये 40 रुपये किलो है तो वो 100 रुपये किलो बिकती है। हाँ जी, तो ये जो केले का पेड़ है जी, ये केले का पेड़ फसल कितनी कितनी बार देता है एक वर्ष में? एक वर्ष में एक ही बार फसल देता, फिर वो एक बार इसमें अगर केले निकल जाएं तो फिर डबल से उसमें केले नहीं लगते, तो पेड़ को काटना पड़ता है। एक बार एक पेड़ में फल लग गए तो दोबारा पेड़ में फल नहीं लगते जी? देखिएगा ये एक बार ये लग गई है ना, अब इसमें डबल नहीं लगेगा जी। देखिए अभी ये जो मतलब इसमें केले लग गए तो इसमें अब डबल से फल नहीं लगेंगे? नहीं, फिर आपको इसको काटना पड़ेगा जी। अब खत्म होगा फिर डबल से, उसी में से फिर दूसरा पेड़ निकलेगा, वो फल देगा जी। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और ऑर्गेनिक खेती का फायदा भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ऑर्गेनिक खेती में जो होता है फसल बहुत ही अच्छी होती है, जो कि रासायनिक खेती में फसल अच्छी नहीं होती। ऑर्गेनिक खेती करने के बहुत ही फायदे होते हैं, हमारी ज़मीन जो है वो उपजाऊ बनी रहती है, रासायनिक खेती से हमारी ज़मीन बंजर होती जाती है दिन ब दिन। तो इसी के साथ कैमरामैन मंगल कुशवाहा के साथ मैं प्रहलाद कुशवाहा।